क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी फंस गई है? क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट में ईडी अपने जिस गवाह को लेकर गई थी वो सारे के सारे गवाह भाजपा ही निकले? दरअसल दोस्तों, एक बहुत सनसनीखेज खुलासा अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया है और बहुत गंभीर आरोप ईडी पर लगाया गया है और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो खेल खेल रही थी, अब उस खेल में वो बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। आप सभी को पता है कि अरविंद केजरीवाल इन दिनों जेल की सलाखों के पीछे हैं, तिहाड़ जेल में हैं। उनकी बार बार जमानत याचिका खारिज कर दी जा रही है, लेकिन आज फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका दाखिल की गई है, उस याचिका में बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जिस बिना पर गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें गवाह बताया गया है, वो सब के सब भाजपाई निकले। जी हाँ, वो सब के सब भाजपाई निकले हैं। एबीपी न्यूज़ के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि दिल्ली अबकारी नीति में कथित घोटाले में जेल बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। केजरीवाल ने ईडी के आरोपों पर कहा है कि जांच एजेंसियों के चारों गवाह को संबंध भाजपा से है, यानी कि जो चार के चार गवाह हैं वो भाजपा से हैं, भाजपा से उनका संबंध है। ईडी के आरोपों पर कहा है कि जांच एजेंसी के जो चारों गवाह हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इनके बयान के आधार पर ही मुझे गिरफ्तार किया गया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कुछ दिन पहले ईडी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था। अब केजरीवाल ने भी इस मामले पर अपना जवाब दाखिल करते हुए ईडी पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि कैसे ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपना गवाह बनाकर उनके खिलाफ जो है कार्रवाई कर रही है और उनको जेल की सलाखों के पीछे रखने का जो मुहिम है वो चलाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और लगातार बीजेपी की तरफ से उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और उनका इस्तीफा दे दिया जाना चाहिए और दिल्ली का कमान जो है वो LG सक्सेना के हाथों में थमा देना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो दिल्ली से ही, जी हाँ, दिल्ली के जेल के अंदर से ही अपने कामकाज को बाखूबी निभाएंगे। लेकिन अब जब सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान ईडी पर बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपनी दलीलें दी हैं और कहा है कि इस तरीके से उनके साथ साजिश के साथ जो काम किया जा रहा है वो बेहद ही खतरनाक है, ताकि वो इस चुनाव को बाधित कर सके। चुनाव में वैसे भी उनका क्या रोल है, आप देख ही रहे हैं, जेल के अंदर हैं, चुनावी प्रचार सभा अरविंद केजरीवाल कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे, उनको जमानत याचिका मिल ही नहीं रही है। ऐसे में इस बार जो सुनवाई हुई है, सुनवाई के दौरान क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।